हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इज इजी। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के इस पार्ट में हम देखेंगे प्लेन। हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन थ्री डायमेंशन सिस्टम। पिछले लास्ट वीडियोस में हमने स्ट्रेट लाइन इन प्लेन कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थ्री डायमेंशन सिस्टम में इक्वेशन ऑफ प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लाइन की तरह है, इसमें भी कई सारे टॉपिक हैं। इस टाइप में एक प्लेन का इक्वेशन या इस कंडीशन में प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना, तो अगर हम कंसेप्ट समझ लेते हैं क्वेश्चंस इसके बहुत इजी हो जाएंगे। लेकिन फिर से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सारे फॉर्मूले आप इसके वेक्टर और 3D के एक जगह लिख के रख लीजिए और बीच बीच में उसे देखते रहिए। पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि थ्री डायमेंशन एक्सिस जो होता है, थ्री डायमेंशन एक्सिस को आप फ्लेमिंग के लेफ्ट राइट हैंड रूल की तरह से समझ सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। या फिर जिस रूम में आप बैठे हैं उसके दीवार के कोने में आप देखिए, आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस दिखेंगे। तो हमें पढ़ना है प्लेन का इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेन का इक्वेशन हमको कई सारी सिचुएशंस में पढ़ना है। तो पहला टाइप यहाँ पे आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल में आपने नॉर्मल वर्ड सुना होगा, आपने फिजिक्स में नॉर्मल वर्ड सुना होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मल होता क्या है। परपेंडिकुलर तो आपको सबको पता है। तो अगर किसी कर्व के टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यानी उसकी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में हम ये इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं कि कोई प्लेन है जिसमें एक पॉइंट P है, से कोऑर्डिनेट है x, y एंड z, ठीक है। ओरिजिन से प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है OP, जिसका पोजिशन वैक्टर है R वैक्टर। OP ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर है। अगर इस प्लेन पे नॉर्मल डाला जाता है ON, उस नॉर्मल की लेंथ है D और ON के अलोंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर है n कैप। यहाँ पे नॉर्मल है जो ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, किस पे? प्लेन पे। और प्लेन के अलोंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर है n कैप। PN जो है एक वेक्टर होगा P से n की डिस्टेंस। सबसे पहले हम PN निकाल लेते हैं। तो PN जो होगा, हम कह सकते हैं कि PN is OP minus ON। वैक्टर्स में हमने पढ़ा है किसी लाइन को अगर की लेंथ निकालनी है तो पहले, जैसे मान लो आपको PN निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ N, यानी OP माइनस ON होता है। तो पहले हम अगर ON निकालना चाहें तो ON नॉर्मल है ओरिजिन से, उसकी लेंथ है D, तो ON की वैल्यू होगी उस वो डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट नॉर्मल वैक्टर। तो हम लिख सकते हैं ON इज इक्वल टू डी इंटू एन कैप, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप है। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम PN की वैल्यू निकालेंगे। तो PN जो है OP माइनस ON होगा, जैसे हमने आपको भी समझाया, ठीक है। तो OP की वैल्यू R है और ON की वैल्यू हमने अभी आपको बताया D डॉट एन कैप है। तो ये आपको PN मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब देखिए PN और ON आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि ON नॉर्मल है तो PN और ON क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर होंगे। PN परपेंडिकुलर टू ON, दोनों वैक्टर्स हैं, वैक्टर साइन लगाइए। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हम क्या जानते हैं कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर दो वैक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो हम ये जानते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? जीरो होता है। तो PN डॉट ON इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप PN और ON की वैल्यू रख दीजिए। PN की वैल्यू हमने निकाली थी R माइनस डी डॉट एन कैप डॉट, ON की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? ON की वैल्यू हमने डी डॉट एन कैप पहले ही लिखी थी, इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट, अब इसे हम सिंप्लीफाई करें, अगर अब जीरो के साइड डी को भेजने के बाद आपको ये मिला, अब इस एन कैप को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करिए ब्रैकेट के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? R डॉट एन कैप माइनस डी डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू जीरो,
ठीक है, आर डॉट एन कैप माइनस डी. अब एन कैप डॉट एन कैप क्या होता है, वन होता है, तो आपको ये मिला आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी. तो हम ये पहुंच गए इक्वेशन ऑफ प्लेन की ओर. इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें मिल चुका है, लेकिन किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में. तो अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है एन कैप और जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से डी, यानी आपको ये दो चीज़ें दी रहेंगी एन कैप एंड डी, और आपको निकालना होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो आप सीधे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी. डी की वैल्यू रख देंगे और एन रख देंगे. कई क्वेश्चन में एन दिया रहेगा, किसी क्वेश्चन में एन कैप दिया रहेगा. अगर आपको एन दिया है, आप एन कैप निकालिए एन वैक्टर अपॉन मोड ऑफ एन से और इस जगह पर रख दीजिए. तो अगर आपको फॉर्मूला याद है नॉर्मल, और इसी फॉर्म का अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर से कैसे आता है, आप वेक्टर को कार्टेशियन में इजीली बदल सकते हो. इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर कार्टेशियन फॉर्म आपको r की वैल्यू इसमें रख देनी है. r की वैल्यू क्या होती है, पोजिशन वैक्टर ऑफ r इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. आप r की ये वैल्यू रख दोगे और n कैप की वैल्यू रख दोगे. भाई n कैप एक वैक्टर है, हमने बोला आपको यूनिट वैक्टर है, तो मान लेते हैं कि l n कैप वो वैक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशोज हैं l m n n. तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के. तो बस आप इस इक्वेशन में r और n कैप रख देंगे. d तो d ही होगा, डिस्टेंस तो दोनों फॉर्म में सेम ही होगी. तो जब हम r और n इसमें रख देंगे तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा l. तो रखने पे आपको मिलेगा r यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के प्लस के डॉट एन कैप यानी एल आई प्लस एम जे प्लस जेड के इज इक्वल्स टू डी. और डॉट प्रोडक्ट के बाद ये i डॉट आई वन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी. तो ये है प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म. और तो देखिए क्वेश्चंस जो हैं प्लेन के 11.3 एक्सरसाइज में दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, यानी डी कितना दिया है 7 दिया है, एंड नॉर्मल टू द वैक्टर, और नॉर्मल वैक्टर कितना दिया है 3i प्लस 5j माइनस 6k, यानी नॉर्मल वैक्टर दिया है, यूनिट नॉर्मल वैक्टर नहीं. तो देखिए बच्चों फॉर्मूला ये लगने वाला है, लेकिन आप बहुत ध्यान से पढ़िए कि नॉर्मल वैक्टर दिया है कि यूनिट नॉर्मल वैक्टर दिया है. तो नॉर्मल दिया है यानी n दिया है आपको और d दिया हुआ है, सिर्फ इसमें वैल्यू रख देनी है. तो चलिए ले लेते हैं इस क्वेश्चन को. तो जो इसमें क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन 11.3, इसमें d की वैल्यू दी है 7 यूनिट्स, ठीक है, और n दिया हुआ है अपन को, n वेक्टर इज 3i प्लस 5j माइनस 6k. तो सबसे पहला काम अपन को क्या करना है, n कैप निकालना है, ठीक है. n कैप हम जानते हैं कि 3i मतलब कोई भी वेक्टर और अपॉन उसका मॉड होता है. n कैप इज इक्वल टू n वेक्टर अपॉन मॉड, तो मॉड ऑफ n, तो n कैप हम इसमें अगर n कैप की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाय. तो इसका n कैप इतना आएगा, n कैप मिल चुका है r डॉट. अब आप फॉर्मूला लिखिए कि वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, मतलब हम ऐसा नहीं लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में ही पूछा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, वी विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी. तो प्लेन का इक्वेशन ये है जहाँ आप, अब सवाल ये है कि r क्या होगा. आपको याद होगा कि नॉर्मल फॉर्म में जो वेक्टर फॉर्म में r की जगह r ही रहता है, हम इसकी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं. तो
तो n हम यहाँ पे रख देंगे जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड किया एज इट इज. एंड व्हाट इज d, डिस्टेंस कितनी है 7 है. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन अंडर रूट 70. अगर आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है तो सिर्फ आप यहीं तक सॉल्व करोगे और इसे रख दोगे. वेक्टर फॉर्म में r r ही रहता है. इन केस आपसे पूछा है कार्टेशियन इक्वेशन, तो आपके पास दो तरीके हैं. आप यहाँ से r की वैल्यू रख दो, सिर्फ r की वैल्यू. क्या रखोगे? xi प्लस yj प्लस zk और डॉट प्रोडक्ट ले लोगे. तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा उसमें आई जे के नहीं होंगे बल्कि एक्स वाई जेड होगा, वही है उसका कार्टेशियन फॉर्म. दूसरा तरीका आपके पास है कार्टेशियन फॉर्मूला निकालने का कि आप लगाइए फॉर्मूला एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी. ठीक है, तो डिस्टेंस तो डी तो 7 है. अब सवाल ये उठता है कि एल एम एन क्या होंगे. तो एल एम एन के लिए आपको एल निकालना होगा. तो जैसे ये वैक्टर दिया है 3i प्लस 5j माइनस 6k. ठीक है, तो अगर नॉर्मल वेक्टर दिया है तो जो नॉर्मल वेक्टर का 3 है, ठीक है, वो बन जाएगा डायरेक्शन रेशो. तो अब उससे आपको l निकालना होगा. डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं अपन जानते हैं कि a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. ठीक है, यानी आप निकालोगे पहले l. तो 3 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर माइनस 6 स्क्वेयर, ये एल हो जाएगा. इसी तरह से एम हो जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर माइनस 6 स्क्वेयर, और इसी तरह से एन हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर. तो एल एम एन मिल जाएंगे. आप डायरेक्ट चाहो तो रख दो कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, तो कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा. और दूसरा तरीका मैंने ऑलरेडी पहला तरीका आपको बता दिया है कि भाई वेक्टर फॉर्म निकालो उससे के बाद आर की वैल्यू रख दो. तो ये भी आप कर सकते हो. मेरे ख्याल से ये ही ज़्यादा इजी है आपके लिए. तो इस तरह से नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं. चलिए अब हम देखते हैं टॉपिक 2. आज का सेकंड टॉपिक है उस प्लेन का इक्वेशन निकालना जो एक गिवन पॉइंट ए से पास होता है और उस और परपेंडिकुलर है एक वैक्टर के. इक्वेशन ऑफ प्लेन एक पॉइंट से जाता है और परपेंडिकुलर एक वेक्टर के है. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन ए से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर वेक्टर भी दिया हुआ है. ठीक है, दो चीज़ें दी होंगी. यहाँ ज़्यादा क्लियर होगा. इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लो ये है, ये पास हो रहा है एक पॉइंट से ए जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन और परपेंडिकुलर वेक्टर एन नाम का आपको दिया हुआ है. तो दो चीज़ें दी रहेंगी. मान लो परपेंडिकुलर वेक्टर एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो यहाँ पे दो चीज़ें दी होंगी. एक परपेंडिकुलर वेक्टर एन, एन के कोऑर्डिनेट मान लो है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर एन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए. तो भाई पॉइंट अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो ऐसे पॉइंट को लिखेंगे एक्स वन वाई वन जेड वन, लेकिन वेक्टर में अपन इस तरह से नहीं लिखते हैं. तो हम लिखेंगे अब पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस. पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट हो जाएगा ए वेक्टर. उसमें तुरंत पॉइंट को अपन वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के. तो ये जो दो कैरेक्टर दिए हैं वो यही है, एक पॉइंट, दूसरा नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर नॉर्मल. ठीक है, तो अब हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा जो एन के परपेंडिकुलर है और ए से पास होता है. क्या होगा उस इक्वेशन, उस प्लेन का इक्वेशन? उस प्लेन का इक्वेशन होता है आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू जीरो. प्लेन का फॉर्म इक्वेशन होता है ये. डेरिवेशन हम नहीं देख रहे हैं, डेरिवेशन से मतलब नहीं है. तो ये होता है उस प्लेन का इक्वेशन r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू जीरो. ये फॉर्मूला याद करना है. और अगर क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन पूछा है आप फटाक से ये फॉर्मूला लगा दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. n दिया है, पॉइंट दिया है, पॉइंट अगर दिया है तो आप उससे a वेक्टर निकाल लीजिए. मान लो पॉइंट दिया है 1, 2, 3, आप उससे वेक्टर कैसे निकालोगे 1i प्लस 2j प्लस 3k. पहले भी हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है. तो सिर्फ क्या करना है बच्चों, a और n दिया हुआ है, आपको इस जगह पे रखना है. ठीक है, और इसका कार्टेशियन फॉर्म में भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं.
कार्टेशियन फॉर्म कैसे आया आपको पता होगा, आर की वैल्यू हम रख देते हैं अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन की वैल्यू हम रख दें जैसे कि हमने आपको बताया कि एन जो होता है वो होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसे हम इस फॉर्मूले में जब रख देंगे तो हमें मिलेगा ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वेक्टर फॉर्म लिखिए और फिर ऐसे कन्वर्ट करें, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ के दो क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले का यूज़ होना है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट, पहला क्वेश्चन है फिफ्थ का ए पार्ट है, पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको 1, 0, -2, ये बन गया आपका पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट ए दिया है 1, 0, -2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन, और नॉर्मल क्या है यानी एन दिया हुआ है आपको आई प्लस जे माइनस के, एन दिया है पॉइंट दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। भाई कुछ देरी तो है नहीं, फॉर्मूला हमारे पास है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट से निकालेंगे ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, तो 1i प्लस 0j माइनस 2k ये ए हो गया आपका, ठीक है, एन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप सीधे लिख दीजिए कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ये होता है, हम अभी डिस्कस किए थे ये r माइनस ए डॉट n इक्वल्स टू जीरो, आर की जगह r ही रहेगा माइनस a ब्रैकेट लगा दो r माइनस ए डॉट n इज इक्वल्स टू जीरो, और n क्या है i माइनस i प्लस j माइनस k, तो हमने ये भी रख दिया। अब इसके बाद तो जब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे ए की और एन की, ये है हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, लेट्स पुट आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आपको आर की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, तो जैसे ही अपन रखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आई, जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, i प्लस जे माइनस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो जैसे एक्स आई माइनस वन आई तो कितना हो जाएगा x माइनस वन आई, एक्स माइनस वन आई, फिर प्लस वाई जे प्लस जेड माइनस टू के डॉट i प्लस जे माइनस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो कितना मिलेगा, i डॉट i वन होता है तो, और जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेने पे i डॉट i वन j डॉट j वन k डॉट k वन, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इस फॉर्म में, और ये है इसका कार्टेशियन फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो इस तरह से आप ये दो टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एग्जांपल का एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, और इसी टाइप से जो डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़ा वेरिएशन इसमें क्या हो सकता है कि जैसे हमने इसमें वेरिएशन ये हो सकता है बच्चों कि जैसे हमने एन डायरेक्ट ले लिया है, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पॉइंट ए से जाता है और परपेंडिकुलर वेक्टर एन दिया हुआ है सीधे सीधे, लेकिन अगर एन सीधे ना दे, ये दे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड
perpendicular to a line whose direction ratios are 2, 3, 4. मतलब डायरेक्ट एन नहीं दिया है, कह रहा है कि डायरेक्ट उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 है. तो सिर्फ आपको क्या करना है ऐसे केसेस में, एन दिया नहीं है, जो डायरेक्शन रेशियो दिया है उससे पहले वेक्टर बनाइए. तो 2, 3, 4 दिया है तो एन बनेगा 2i + 3j + 4k, एन तैयार हो गया. लेकिन हाँ, बच्चा सोचने पर मजबूर होगा कि भाई एन कहाँ है, तो डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हमें एन निकालना है. इस तरह से छोटे मोटे चेंजेस जो हैं वो किए जा सकते हैं. तो आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 के दो टाइप के क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है. क्वेश्चन लगाते जाइए बच्चों. नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपने अब तक मैथ्स फिजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए.